इंफ्रास्ट्रक्चर की गति गति शक्ति के तहत सिर्फ 2024-25 तक 2,00,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हम समाप्त कर देंगे। 2020-21 में 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनाए, 148 हवाई अड्डे बने हैं। मोदी जी के आने के पहले 74 थे, अब 148 हो गए। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो चुकी है। 99,000 करोड़ की सागरमाला परियोजना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा दूरगामी कदम है, वो पूरा हो चुका है। कार्गो हैंडलिंग की क्षमता देश की 79% बढ़ी है, अगले साल तक दोगुना हो जाएगी। और 27 ट्रेनों में मेट्रो उपलब्ध कराई है और भारत नेट 6.20 लाख किलोमीटर फैला दिया है, लाखों गांवों तक भारत नेट को पहुंचाने का काम। मान्यवर, इंटरनेट कनेक्शन में दुनिया में सबसे ज्यादा वृद्धि भारत ने दर्ज करी है, 231% की वृद्धि। और पूर्वोत्तर के लिए भी ढेर सारे एयरपोर्ट बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, स्वास्थ्य के बजट में भी 139% की वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है। पिछले 8 वर्षों में 4,85,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। एमबीबीएस की सीटों में 93% वृद्धि और पीजे की सीटों में 100% वृद्धि करकर डॉक्टर की संख्या को दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर, इतना ही नहीं, ढेर सारे विषय मेरे साथियों ने बहुत बताया, मुझे अभी मणिपुर पर भी बात करनी है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया। मान्यवर, क्लाइमेट चेंज हो या टेररिज्म, ग्लोबल नैरेटिव सेट करने का काम आज अगर कोई एक देश कर रहा है तो हमारा महान भारत कर रहा है। मान्यवर, G20 का नेतृत्व जब हमें मिला, बहुत सारे देशों को मिला, एक ही शहर में कार्यक्रम करे, आज G20 के कार्यक्रम 55 स्थानों पर कर पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और साहब, इन लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए अविश्वास, विश्व भर में एक ही ऐसा नेता है जिसको 14 राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं फिर से, वैसे तो व्यक्तिगत सम्मान मिला है, मगर महान सदन में कहना चाहता हूं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की भावना है, ये 14 राष्ट्रों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, ये देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान, भारत का सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसलिए आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को अविश्वास नहीं। मान्यवर, इस चुनाव में पता चल जाएगा, दादा इस चुनाव के काउंटिंग में पता हो चल जाएगा, और फोन करना मुझे। मान्यवर, देश की सुरक्षा, यूपीए की सरकार थी, 2004 से 2014 तक चली, आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे, आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और इस सदन के अंदर थक जाएगा, तुम मत बोलो, वो थक जाए, आप मैं नहीं थकूं। मान्यवर, सरहद के उस पार से आतंकवादी घुस जाते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कोई जवाब नहीं देता था। 2 बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, 1 बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी। श्रीमान राजनाथ जी यहां बैठे, CDS का मसला, ये भी आपका सोच था, इंप्लीमेंट हमने किया। CDS का मसला कब का लटक रहा था, भटका रहा था, मोदी जी ने CDS का फैसला किया, राजनाथ जी ने सभी को विश्वास में लेकर उसको पार उतारा। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया और खरीदी के अंदर, डिफेंस के अंदर जिस प्रकार के
परिवर्तन हुए मान्यवर, मैं आपको बताता हूं, जितने भी घोटाले, मैं बाद में घोटाले बताता हूं यूपीए के, जितने भी घोटाले हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा करप्शन रक्षा की खरीद में हुआ, मगर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रक्षा मंत्री जी ने 4,100 आइटमों को इंपोर्ट की नेगेटिव लिस्ट में डालकर यहां उत्पादन किया। और आत्मनिर्भर भारत की रचना कैसी होती है, इसकी नींव कैसे डाली जा सकती है, डिफेंस जैसे अति टेक्नोलॉजी वाले और स्पर्धात्मक क्षेत्र में, इसको करकर नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत का रक्षा उत्पादन न केवल भारत, कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है और भारत एक रक्षा के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए मान्यवर, और 22-23 में 16,000 करोड़ से ज्यादा का निकास किया गया, निर्यात किया गया, ये आंकड़ा लाखों करोड़ों में जाने वाला है। मान्यवर, 4 दशकों से श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तब से देश का सेना का जवान, चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, वो वन रैंक वन पेंशन की मांग करता है। सब भक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने सेना के सम्मान में निर्णय किया और 42,000 करोड़ से ज्यादा राशि वन पेंशन वन रैंक के अंदर।